युवा हो जो जिनको पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करना हो या मनोरंजन के लिए चैटिंग करनी हो या फिर बड़े जिनको अपनी जिंदगी और आसान और प्रोडक्टिव बनानी हो, लेकिन उतनी आसानी से ही आपराधिक गतिविधियों का कारण भी बन रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल पॉइंट में। मैं हूं भावना नैयर और आज हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा और कानून की और कैसे हम बच्चों को साइबर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तीन अहम मेहमान मौजूद हैं, तीन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस विषय पे अहम जानकारी हमको आज देने वाले हैं और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देने वाले हैं। हमारे साथ नीरज अरोड़ा हैं, ये साइबर कानून विशेषज्ञ हैं और फॉरेंसिक मामलों के भी एक्सपर्ट हैं। नीरज जी आपका स्वागत है। हमारे साथ SD मिश्रा हैं, उपायुक्त हैं ये दिल्ली पुलिस से। मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। और गुरप्रीत सिंह है, ये साइबर मामलों के अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से। गुरप्रीत जी आपका भी स्वागत है लीगल पॉइंट में। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आप साइबर सुरक्षा पर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं कि वो जिस तरीके से ऑनलाइन पर हमेशा दिन भर बैठे रहते हैं, या आपको कोई सवाल पूछना है आज, तो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, ये नंबर है 011। अगर आप दिल्ली से बाहर के कॉलर हैं तो 011 हमारा STD कोड दिल्ली का लगाना ना भूलें, 2303-5420। और हमारा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 1800-11-5314। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आज हमारा कंप्यूटर, जो मेरे घर पे जो PC पड़ा है, क्या वो सुरक्षित है? क्यों हमें साइबर कानून की जरूरत पड़ रही है? देखिए, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं जी, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई भी साइबर क्रिमिनल उसमें ऑनलाइन हैकिंग कर सकता है, ऑनलाइन उसका कंट्रोल कर सकता है, शेयर ना करें। जैसे कि नीरज जी ने बताया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हुए सूझबूझकर और सोच समझकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें और अनजान लोगों से तभी दोस्ती करें जब आप उन पर विश्वास बना लें। इन कुछ साधारण नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जोड़ लीजिए और साइबर क्राइम से आप जागरूकता के जरिए दूर रह सकते हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का। आप तीनों स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी आपने दी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपके पत्र और आपकी ईमेल हमें मिल रहे हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता आप फिर से नोट कर लीजिए, लीगल पॉइंट, लोकसभा TV, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 11001। आप हमें ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, legalpoint.lstv@gmail.com। अगले हफ्ते फिर से आपसे किसी और कानूनी विषय के साथ लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लीगल पॉइंट, जुड़े रहिए लोकसभा TV के साथ। नमस्कार।